वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉ न्यूज। आज हम बात करेंगे वुमेन इक्वालिटी के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में। फेमिनिज्म शब्द तो आप शायद सबने सुना ही होगा, अक्सर ये ट्विटर पर ट्रेंड किया जाता है, लेकिन ये ट्विटर पर इसके मीनिंग के लिए नहीं ट्रेंड किया जाता है, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। फेमिनिज्म शब्द का मतलब होता है इक्वालिटी बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स, लेकिन अक्सर इसको क्रिटिसाइज के लिए लोग यूज करते हैं और सही भी है, क्योंकि कई बार अक्सर इक्वालिटी के नाम पर भद्दा मजाक भी होता है। आप एक कार एक्सीडेंट को ले लीजिए, जो लखनऊ में कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कैसे लपालप एक लड़की ने कार ड्राइवर को थप्पड़ मारा था और उसके बाद हैशटैग फेमिनिज्म मानो पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन घबराइए मत, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि रेप केसेस को मैरिज में एक रेप नहीं माना जा रहा, और अगर उसको रेप मान दिया जाए तो उसको फेमिनिज्म के नाम पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हैशटैग मैरिटल स्ट्राइक कुछ दिनों से ट्विटर पर छाया हुआ है। इन लोगों का मानना है कि कैसे अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक रेप हो सकता है, फिर चाहे वो अब्यूजिव वायलेंस या जबरदस्ती किया जाए, उसको आप रेप थोड़ी मानोगे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर इसको रेप बोल भी दिया जाए तो इसका मिसयूज होगा, वाइफ्स अपने हस्बैंड के ऊपर झूठे आरोप लगाएंगी, जैसे सेम डोरी रूल्स के साथ होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कई लॉज है इंडिया में जिसका मिसयूज होता है, तो क्या उन लॉज को बनाया ही नहीं जाए? आप जरा सोच के देखिए, कल को ऐसे कई लॉज सामने आएंगे जिसके ऊपर स्ट्राइक की जाएगी कि इनका मिसयूज हो रहा है तो इनको आप बंद कर दीजिए। आपको सोच के हैरानी होगी कि नेपाल भूटान जैसे देशों में मैरिज में हुए रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान और कुछ और भी देश है ऐसे जिसमें इसको अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा शब्द निकल कर आता है वो है कंसल्ट। इंडिया में ये कई हद तक सोसाइटी में अप्लाई हो भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों को आज भी लगता है कि आफ्टर अ मैरिज दे हैव अ राइट। कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि अपने वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो रेप कहलाया जाएगा, लेकिन अगर वो वाइफ किसी और के साथ ये सेम चीज करती है तो वो रेप नहीं कहलाया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? ये तो फिर से हैशटैग फेमिनिज्म बन गया और मर्दों पर अत्याचार हो गया। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अगर कोई मैरिड मैन किसी लड़की के साथ रेप करता है तो आप उसको रेप कहेंगे, अगर लेकिन वो सेम चीज अपनी वाइफ के साथ करता है तो आप उसको वायलेंस कहेंगे, नॉन सेक्सुअल वायलेंस कहेंगे, लेकिन आप उसको एक रेप नहीं कह सकते। हस्बैंड या वाइफ अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, रेप नहीं करता, तो उसको आप धोखाधड़ी कह सकते हैं, आप उसको चीटिंग कह सकते हैं, वो चीटिंग के केस में जा सकता है, लेकिन आप उसको रेप नहीं कह सकते। ये समझना शायद इतना भी मुश्किल नहीं है। आपके इसमें क्या थॉट्स है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए सी लॉ न्यूज के साथ।